माता दी, क्या आप भी बहुत सारे इंटरव्यू दे करके थक चुके हैं? कंपनियों की कॉल का आप वेट कर रहे हैं कि वो आपको जल्दी ही बुलाएंगे, या आपके अंदर बहुत अच्छी काबिलियत है, बहुत अच्छे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन से आपने डिग्री भी हासिल की हुई है और आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी उसका बहुत अच्छा है, बट जब आप काम के लिए जाते हैं तब आपका इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, आपको जॉब नहीं मिल पाती है, इंटरव्यू के लिए भी आपको बुला लिया जाता है, आपका इंटरव्यू क्लियर भी हो जाता है, लेकिन आपको कुर्सी नहीं मिलती, मीन्स आपको पद नहीं मिलता, आपको राइट्स नहीं मिलते कि अब आप वहाँ पे जा कर के अपनी सर्विसेज आप उस कंपनी को या उस फर्म को आप दे सकें। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या किया जाए और जन्म कुंडली के अंदर वो कौन सी परिस्थिति होती है, जब आप ये उपाय करके, जो मैं आपको यहाँ पर 2 से 3 उपाय दूंगा, वो करके आप अपनी नौकरी में अच्छे दर्जे पर आप पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ बातों को बहुत गहराई से समझ लीजिए। देखिए, ये है जन्म कुंडली का 10वां भाव, जहाँ पर मंगल देव विराजमान है। जब भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव इस परिस्थिति के अंदर बैठे हुए हों, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी नौकरी से खाली नहीं रहता, उसको नौकरी हमेशा मिलती है, बशर्ते उसके साथ एक चीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना है कि ये देखिए, 6ठे भाव के अंदर सूर्य देव बैठे हुए हैं। जब ऐसी परिस्थिति पड़ जाएगी तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी में मान सम्मान और तरक्की नहीं मिल पाया करती है। तो ऐसी परिस्थिति का तो सिर्फ एक ही उपाय है कि ऐसा व्यक्ति बंदरों को गुड़ और गेहूँ ता उम्र खिलाता रहे। अब ये खिलाए कैसे? गुड़ और गेहूँ, यानी कि गेहूँ को भून करके उसके लड्डू बना करके जहाँ भी आपको मंकीज मिले आप उनको फीड करते रहिएगा, जिससे आपकी नौकरी की ग्रोथ में रुकावट नहीं आएगी। लेकिन एक शर्त यहाँ पर, ग्रहों के साथ साथ आपके देवी देवताओं की भी होती है, भगवान की भी होती है। यदि ग्रह आपके हैं तो आप जिस फर्म में जॉब करने जा रहे हैं उस पर्सन के भी तो अपने ग्रह होंगे, उसके अपने भी तो राइट्स होंगे, उसकी अपनी भी तो सोच होगी और उसके अपने भी देवी देवता हुआ करते हैं। तो आपको नौकरी में तरक्की के लिए बहुत अच्छी एबिलिटी भी क्रिएट करनी होगी, अपनी स्किल को चमकाना भी होगा, अपनी बेस नॉलेज को बहुत स्ट्रांग रखना होता है, तभी आपको ये उपाय और ग्रह भी साथ देते हैं। अब इसके बाद एक बात और भी ध्यान रखिएगा। सपोज दैट ये तो हो गई मंगल जिसके 10वें भाव में बैठे, ये तो उसको करने वाले उपाय हो गए, लेकिन भाई जिसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव 10वें भाव में नहीं बैठे और ये भाव खाली पड़ा हुआ है, वो कौन सा उपाय करे और उसको नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है? सबसे पहला उपाय, यदि आपको ये पता है कि मैं यहाँ जा करके नौकरी में बिल्कुल फिक्स हो जाऊंगा और मुझे यहाँ पे नौकरी हर हाल में चाहिए ही चाहिए, तो आपने 2 मुट्ठी साबुत मूंग लेनी है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, साबुत मूंग इसको कहते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इसको किसी भी नाम से बुलाया जाता होगा, लेकिन आप इसकी 2 मुट्ठी ले करके साबुत मूंग को घर से निकलते हुए घर के मेन एंट्रेंस के पास इसे आप छींट दीजिएगा। छींट दीजिएगा मतलब आप इसको स्प्रेड कर दीजिएगा और उसके बाद आप इस अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाइए। घर का जो भी कोई व्यक्ति घर में हो वो इसको कपड़े से, झाड़ू से नहीं, कपड़े से इसको इकट्ठा करके ले जाके पार्क में जहाँ कहीं पक्षी बैठते हो वहाँ जा करके डाल दे। मुझे पूरा भरोसा है आपको नौकरी जरूर मिलेगी। और दूसरा उपाय क्या करें जिनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव यहाँ ना बैठे हों? मेरी तरह इस तरह का लाल पेन, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सॉलिड लाल पेन होना चाहिए, यह महरूम है, लाल रंग की फैमिली में ही आता है, इसी तरह का लाल पेन अपनी शर्ट की जेब में लगा करके जाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई मेरी बहन है ये वीडियो देख रही है, कोई बेटी तो ले इस वीडियो को देख रही है, तो वो रेड कलर की टी शर्ट, टॉप, शर्ट्स या जो भी फॉर्मल वियर है वो पहन करके जाएं। तो इससे आपके ग्रोथ पाने के तरीके और रास्ते ज़्यादा खुल जाया करते हैं। और रेड कलर का पेन आप वहाँ पर, जब आपको कह दिया जाए
कि जी हाँ आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करके आए हैं, जब आपका फाइनल हो जाए तब आप अपना पेन निकाल करके उसी से ही साइन करिए वहाँ पर जो अथॉरिटी आपसे ली जाए। इसके बाद अगला क्या उपाय करें, उपाय यहाँ पर अब सावधानी का है, और वो क्या है कि यहाँ पर ये जो मैंने आपको उपाय बताया है, ये ध्यान रखिए कि दसवें भाव में यहाँ पर राहु ना बैठे हों, केतु ना बैठे हों, या फिर यहाँ पर शनि महाराज ना बैठे हों, तब आप वो उपाय करिएगा जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप अपने घुटने पर, अपने यानी कि नी पर आपने लाल रंग का धागा बांधना है। लाल रंग का धागा बांध लेने से आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव दसवें स्थान पर पहुंच जाते हैं जन्म कुंडली के, और जब वो वहां पहुंच जाएंगे तो आपकी नौकरी 100% पक्की हो सकती है। ये मेरा 18-20 साल का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस वाली ही रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसीलिए ग्रहों के अन्य नियमों का ध्यान रख करके ही आपको बताता हूँ। मैं समझ सकता हूँ जिस व्यक्ति के पास रोजगार ना हो वो किस तरह से अपना जीवन यापन करेगा, मैं ये भी समझ सकता हूँ कि पैसा कितनी ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन मैं एक बात का बहुत खुला विरोध करता हूँ। जब मैं सोशल मीडिया पर करता हूँ तो जब मेरे सामने कोई आते हैं तो मैं उन्हें भी ये बात कहता हूँ, अगर आपको पैसे की समस्या है तो आपको अपने अंदर काबिलियत को ऊंचा करना होगा, यानी अगर हम इसको इन शॉर्ट्स इंग्लिश में कहें तो इफ यू हैव अ मनी प्रॉब्लम देन यू हैव अ स्किल प्रॉब्लम, सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट टू अपग्रेड योर स्किल इश्यूज, जो भी आपके स्किल टैलेंट है आप उसको चमकाने की कोशिश करिएगा, तो आपका भविष्य, आपकी नौकरी, आपका व्यापार हमेशा आपका साथ देगा। आपके मन में किस तरह के सवाल हैं, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। स्वागत है आपका, जय माता दी। जय माता दी मेरे सभी भाइयों बहनों, हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3-4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं, टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं, आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं, और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है, लाभ लीजिएगा। जय माता दी।